कृष्णा, जय श्री राम। आज हम ये बात जानेंगे कि बला और अति बला नामक जो प्रमुख सिद्धि और विद्या थी, इसे प्रदान भगवान श्री रामचंद्र और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण जी को किसने दिया था, और ये विद्याएं क्या होती हैं, इसका प्रभाव क्या होता है, इसको पाने से एक व्यक्ति किस प्रकार से उसकी जीवन बदल जाता है। तो इसका वर्णन आता है श्री रामायण में, जो वाल्मीकि द्वारा कृत है। प्रथम जो इसका भाग है बालकांड, तो प्रथम कांड में, बालकांड के 22वें अध्याय में इसका वर्णन आता है, जहां विश्वामित्र मुनि अयोध्या से श्री राम और लक्ष्मण जी को ले आए, क्योंकि उनके यज्ञ सिद्धि में मारीच और सुभाव जैसे महाबलशाली दानव राक्षस उनको परेशान कर रहे थे। उनके यज्ञ आहुतियों में रक्त मांस को डालकर उनके यज्ञ को खराब कर रहे थे। और एक बार फिर वो जब दशरथ महाराज के पास आए याचना करने की कि मुझे राम और लक्ष्मण दे दीजिए, तो दशरथ जी देने से मना कर देते हैं और उन्हें कहा कि मैं इसलिए राम और लक्ष्मण को चाहता हूँ क्योंकि मैं स्वयं भी चाहता तो मैं इन लोगों का मैं वध कर सकता हूँ, लेकिन अपने श्राप के द्वारा श्राप दे के उनका वध कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें श्राप देना नहीं चाहती क्योंकि ये जो विद्याएँ हैं ये मना करता है कि आप किसी को श्राप दें, इसलिए मैं स्वयं इनका वध नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अन्य किसी महारथी की आवश्यकता है। और राम और लक्ष्मण जैसे महारथी के अलावा कोई भी इन दोनों का वध नहीं कर सकता। तो भगवान रामचंद्र जी को जब ये विश्वामित्र मुनि लेके जा रहे थे, तभी उन्होंने बला और अति बला दो प्रमुख विद्याओं को प्रदान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को किया था। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि ये बला और अति बला ये किस प्रकार की विद्या है, और जिसे जानने के बाद एक व्यक्ति के अंदर एक बहुत ही बड़ा बल आ जाता है। तो ये श्लोक नंबर 13 है, इसमें ये लिखा है, बला और अति बला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम थकावट का अनुभव नहीं होगा, ज्वर रोग या चिंता जनित कष्ट नहीं होगा, तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उल्टफेर नहीं हो पाएगा। ठीक है, रोग ज्वर थम श्रम थकावट ऐसा कुछ भी चीज़ तुम्हें नहीं होगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई ना होगा। तात रघुकुल नंदन राम, बला और अति बला का अभ्यास करने से तीनों लोक में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। तो कहने मतलब है कि और कहते सौभाग्य चातुर्थ ज्ञान और बुद्धिमान संबंधी निश्चय में तो मैं तथा किसी का प्रश्न का उत्तर देने में कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। और इन दोनों विद्याओं को प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारे समानता नहीं कर सकेगा समान नहीं कर सकेगा क्योंकि ये बला और अति बला नामक विद्याएँ सब प्रकार के ज्ञान में की जननी है। तो ये दो ज्ञान जो है सभी ज्ञान की जननी है, और ऐसा तुम पराक्रम और तेज तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा कि संसार के किसी भी जीव और देवता भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बहुत ही प्रमुख सिद्धि है, बला और अति बला, जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र मुनि से प्राप्त की थी योग साधना के द्वारा। ठीक है, हरे कृष्णा, जय जय श्री राम।